Welcome back to my channel. So my name is Sapna and I make videos related to fashion and haul. And if you're watching this space for the first time, I request you please subscribe to my channel, hit the bell icon. So whenever I'm uploading any of the video, you guys will get a notification. आज का video basically I've created few of the summer looks. बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है. But keeping everybody comfort zone in mind, पहले मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी. If in case you don't follow me on Instagram, this is my Instagram page. Go check out my page. I post lot of fashion related content. If in case you like it, you can give it a follow. आज का video basically आप दोनों लोगों के लिए है. वो लोग जिनको short clothes भी पहनना पसंद है और वो लोग जिनको modest fits भी पहनना पसंद है. आप दोनों के लिए कुछ ना कुछ इस video में है. So without any further ado, थोड़ा सा dramatic way में let's get into the video. ओके, सो बेसिकली मैं क्या करती हूँ, जब भी मुझे इस टाइप के लुकबुक शूट करने होते हैं तो मैं हर ना मतलब जितने भी आउटफिट्स मैंने क्रिएट किए होते हैं उन सबका ऐसे फोटो खींच के रख लेती हूँ, तो मेरे लिए ईजी हो जाता है. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट लुक. सो फर्स्ट लुक एक बहुत ही प्रीटी, बहुत ही क्यूट लुक है और मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है ये लुक. एंड यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो आउटफिट बहुत सिंपल है बट बहुत ज़्यादा एलिगेंट है एट द सेम टाइम. यहाँ पर मैंने सॉफ्ट ग्रीन और सॉफ्ट पिंक, मतलब मिड ग्रीन है और बिल्कुल लाइट पिंक कलर का टॉप है जो मैंने पहना हुआ है, क्रॉप टॉप. यहाँ पे अगर आप क्रॉप टॉप में कंफर्टेबल नहीं हैं, आप कोई भी टॉप पिकअप कर सकते हैं. द आइडिया इज़ जस्ट टू गिव यू, आप ऑफकोर्स अपने हिसाब से आइटम्स को स्विच कर सकते हैं. जो यहाँ पे मैंने फ्लेयर वाला ट्राउज़र पहना हुआ है एंड लेट मी टेल यू, जब भी मैं कोई ट्राउज़र खरीदती हूँ मैं उसको लार्ज साइज़ में खरीदती हूँ ताकि वो उसका फ्लेयर मेरे पास और अच्छा आए और मैं जस्ट उसकी वेस्ट थोड़ी सी फिट करा लेती हूँ. दैट्स व्हाट आई डू. एंड ओवरऑल आउटफिट बहुत प्यारा है. इसके साथ मैंने वाइट स्नीकर्स पहने हुए हैं एंड मोस्ट लाइक सबसे अच्छा एलिमेंट जो मैंने बैग में ऐड किया हुआ है, बैग में नहीं आउटफिट में ऐड किया हुआ है, वो इसका बैग है. काफ़ी कूल बैग है. मैं जहाँ से मैंने ये बैग लिया, मैं इंस्टाग्राम लिंक आपको ज़रूर दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो देखना मत भूलना. एंड या ईयरिंग्स मैंने ये सिंपल अपने फेवरेट मिकोटो के ईयरिंग्स पहने हुए हैं. बड़े ही मुझे बहुत पसंद है, इनका क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा अच्छा है और मैं जो ज़्यादातर देखूँ मैं यही ईयरिंग्स पहन के रखती हूँ क्योंकि पहली बार बहुत स्टेटमेंट लगते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं. सो दिस इज़ द लुक एंड आई पर्सनली फील ये बहुत ज़्यादा क्यूट लुक है. नाउ लेट्स गो टूवर्ड द नेक्स्ट लुक. नाउ नेक्स्ट लुक एक बहुत ही मैं बोलूँगी बहुत प्यारा लुक है एंड बड़ा सिंपल, बड़ा क्लासी लुक है. और आप में से अगर कोई पिकनिक वगैरह पे जा रहा है यू शुड डेफिनेटली ट्राई दिस लुक. सो बेसिकली यहाँ पे मैंने पहनी हुई एक लॉन्ग मिडी ड्रेस ब्लैक कलर में, नॉर्मल ब्लैक कलर, सिंपल ब्लैक कलर में. ये मैंने काफ़ी पहले किसी ट्यूसडे या सैटरडे मार्केट से ली थी दिल्ली में. एंड इसके साथ मैंने, क्योंकि ये स्लीवलेस है और मुझे कुछ कलर ऐड करना था, प्लेन तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, ठीक है. सो मैंने यहाँ पे एक मतलब एक शर्ट ले लिया है. कभी भी आपका कोई स्लीवलेस हो, आपको पहनने में अनकंफर्टेबल हो तो आप हमेशा एक टाई अप शर्ट ले लो. और मैंने अपने वेस्ट, मतलब जहाँ पे मेरा हाई वेस्ट है ना, हाईएस्ट वेस्ट बिल्कुल चेस्ट के नीचे, वहाँ पे ऐसे नॉट डाउन किया हुआ है. इसके साथ मैंने कन्वर्स शूज़ पहने हुए हैं एंकल लेंथ के. एंड इसके साथ मैंने ग्रीन बैग लिया बिकॉज ब्लू और ग्रीन का कॉम्बिनेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है एंड समहाउ दिस विल ऐड अ पॉप ऑफ कलर टू माई ब्लैक, सिंपल ब्लैक ड्रेस. आप चाहें तो कोई भी सैटिन ड्रेस, शॉर्ट सैटिन ड्रेस होती है उसके साथ वाइट कलर की शॉर्ट पेयर अप करके एंड शूज़ कोई भी डाल सकते हैं. एंड मेक श्योर कि आप उसके साथ एंकल शूज़ ना डालें बट जो आप सॉक्स डालें वो एंकल लेंथ सॉक्स डालें. और कैप पहनना चाहे कैप पहन सकते हैं, नॉर्मल बैग कैरी कर सकते हैं. वो इस काइंड, मतलब इस तरीके का जो लुक है ना वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा. एंड या दैट्स हाउ द होल लुक टर्नड आउट एंड आई फेल्ट दिस लुक इज़ प्रिटी डिसेंट. एंड वो लोग जिनको मतलब बहुत सारी स्लिप ड्रेसेस हैं उनके पास बट दे आर अनकम्फर्टेबल वेयरिंग इट, तो उनके लिए डेफिनेटली बहुत अच्छा प्लस पॉइंट है. उसके बाद लेट्स गो टूवर्ड्स द नेक्स्ट लुक. सो यहाँ पे एक और लुक है जो मुझे बहुत बहुत ज़्यादा मतलब बहुत सिंपल है बट अच्छा भी है, एक क्यूट लुक है, क्यूट वाइब है इसकी. सो यहाँ पे मैंने पहनी हुई है एक मॉम फिट जीन्स पहनी हुई है मैंने यहाँ पे वाइट. ही मैंने H&M से ली थी, अगर आपने H&M हॉल में मेरे देखा होगा. एंड इसके साथ मैंने ऑफकोर्स सेम कन्वर्स शूज़ पहने, आपने देखा होगा मैं कितना यूटिलाइज़ करती हूँ ना अपने कपड़ों को बार बार. सो यहाँ पे मैंने पहनी हुई है, अब मेरे भाई की टी शर्ट है, इसको मैंने निकाला. एंड क्योंकि थोड़ा इसका फिटिंग थोड़ा मतलब बड़ा अनइवन सा था तो मैंने क्या किया ना, इसको नॉट डाउन पीछे से ना नॉट बनाई और अंदर की तरफ टक कर दी, तो एक छोटा सा क्रॉप टी शर्ट का इफेक्ट दे दिया. तो आप चाहें तो क्रॉप टी शर्ट भी पिकअप कर सकते हैं, मेरे पास नहीं थी तो मैंने ये आइडिया अपनाया. एंड बहुत ही ज़्यादा कूल लुक है, बहुत सिंपल है. इसके साथ मतलब कलर टोन्स भी बहुत अच्छे से जा रहे हैं. वाइट डेनिम्स मैंने इसलिए लिया बिकॉज ऑलरेडी इतनी ज़्यादा गर्मी है और ब्लू डेनिम्स काफ़ी ज़्यादा हैवी होती हैं. और वाइट में ना थोड़ा सा मैंने ऊपर ब्लैक पहना हुआ तो मेरे को ब्लैक ऑन ब्लैक नहीं करना था और चाहिए था कि मतलब हीट ना ब्लैक
ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है वाइट के कंपैरिजन में, इसलिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा कूल डाउन करने के लिए गर्मी को यहाँ मैंने वाइट कलर की जीन्स पहनी है। गो टूवर्ड्स द नेक्स्ट लुक। नाउ नेक्स्ट लुक ना थोड़ा सा यहाँ पे आइडिया ये है कि यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे मैंने लॉन्ग डेनिम स्कर्ट पहनी हुई है और यहाँ पे मैं ये स्कर्ट तो कहीं अवेलेबल नहीं है, मैंने बहुत टाइम पहले ज़ारा की सेल पर से ली थी, बट हे मिसी एक वेबसाइट है वहाँ पे मैंने एक स्कर्ट देखी थी ऐसे मतलब क्रॉप में मतलब कट के साथ, तो आप वहाँ ज़रूर चेकआउट कर सकते हो, आपको डेफिनेटली वहाँ पे मिल जाएगी। यहाँ पे मैंने पहना हुआ है एक ब्लू कलर का टैंक टॉप और इसके साथ मैंने ब्लू कैप ली है और एक ग्रीन कलर का बैग लिया है, ये भी बहुत ज़्यादा कूल है और बहुत ज़्यादा सिंपल लुक है, मतलब बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं इस लुक में, और सिंपल वाइट शूज़ डाले हुए हैं इस लुक। गो टूवर्ड्स दी नेक्स्ट लुक। नाउ नेक्स्ट लुक ना बहुत ही ज़्यादा प्यारा लुक है एंड मेरे को ना रिप जीन्स मेरे को हमेशा से पसंद है, जब फ्लेयर वाली है मैंने बहुत टाइम पहले ली थी एंड मेरे वार्डरोब में मतलब इस टाइप के बड़े बड़े फ्लेयर वाले जीन्स बहुत हैं। तो यहाँ आप देखो तो यहाँ मैंने पहनी हुई है अंदर एक बिल्कुल वाइट कलर का छोटा क्रॉप टॉप डाला हुआ है, उसके ऊपर मैंने डाली चिकनकारी कुर्ती ट्रांजी सी, ठीक है चिकनकारी कुर्ती डाली हुई है। नो मैटर व्हाट आपके वार्डरोब में चिकनकारी कुर्ती ज़रूर होनी चाहिए, अगर कुछ समझ में नहीं आए बिल्कुल लूज फिट पहनने का मन है चिकनकारी कुर्ती इज़ योर लाइक, इतना लाइट मटेरियल होता है इतना ज़्यादा कंफर्टेबल होता है, तो मैंने यहाँ पे पहनी हुई है। इसके साथ मैंने रिप जीन्स पहनी हुई है, अगर आपके पास फ्लेयर नहीं है आप डेफिनेटली कोई और जीन्स भी पहन सकते हो वॉट एवर मतलब जो भी आपके वार्डरोब में अवेलेबल हो। एंड यहाँ पे मैंने फ्लैट्स पहने हुए हैं ग्रीन कलर के फ्लैट्स, अब फ्लैट्स को मैच करने के लिए मुझे कुछ तो पहनना ही था, तो मैंने क्या किया कि मेरे पास एक बैग था छोटा सा मैंने उसको पहना, बड़ा ही क्यूट बैग है और उसके साथ मैंने ये इयररिंग्स पहने हुए हैं बड़े वाले, आप चाहें तो छोटे इयररिंग्स भी पहन सकते हो। ऑफ कोर्स मेरी इयररिंग्स ये लाइट हैं, ये मैंने अभी रीसेंट जनपद से लिए थे, अभी लास्ट वीडियो में भी आई थिंक मैंने ये पहने हुए थे, तो मतलब पता ही चल गया होगा कि मैं इस मतलब इस इयररिंग से पूरी ऑब्सेस्ड हूँ। सो पर्सनली आई लव दिस लुक, बड़ा क्यूट बड़ा सिंपल सा लुक है एंड आई थिंक हर लड़की के लिए बहुत ईजी हो जाएगा, चिकनकारी विद जीन्स कैरी करना सबसे ईजी सिंपल आउटफिट होता है। इसको मैंने एक डिफरेंट वे में स्टाइल किया हुआ था, तो मेरे पास एक क्रॉप ब्लेजर था। यूजुअली क्या होता है कि ब्लेजर्स ना आजकल सब ओवरसाइज पहनते हैं, बट आजकल क्रॉप ब्लेजर भी बहुत पसंद है मुझे, तो मैं क्या करती हूँ मैं कहीं से भी जैसे मुझे थ्रिफ्टेड कुछ ब्लेजर मिल जाते हैं तो मैं उनको थ्रिफ्ट करके मैं उनको काट देती हूँ। और आपको कहाँ काटना है जस्ट मेक श्योर कि आपका चेस्ट जहाँ पे एंड हो रहा वहीं शोल्डर से लेके यहाँ तक मेजरमेंट करो और उसको कट करवा दो और मास्टर जी से फोल्ड करा लो। तो यहाँ पे मैंने एक पर्पल कलर का मुझे ब्लेजर मिला था तो इसको मैंने कट करा के क्रॉप बना लिया। यहाँ मैंने पहना हुआ है पर्पल कलर का टॉप अंदर और उसके ऊपर पर्पल कलर का ब्लेजर पहना हुआ है और उसी के साथ जो मैंने पहना हुआ है इट्स ग्रीन हील्स एंड अ ग्रीन बैग। आप देख रहे होंगे बैग में कितना ज़्यादा यूज़ करती हूँ, तो मैंने फुल किसे कहते हैं फुल पैसा वसूल किया है एक्चुअली एंड मतलब बढ़िया रहता है ना, मतलब फुल पैसा वसूल मतलब कोई चीज़ लो उसको इतना रगड़ दो कि एटलीस्ट आपको सेटिस्फैक्शन होना चाहिए भाई। तो ये लुक बड़ा ही प्यारा है, मतलब शाम को अगर आप ब्रंच वगैरह के लिए जा रहे हो इवन पार्टी वगैरह के लिए जा रहे हो ना तो भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, लाइक सिंपल एंड क्रॉप और खुद ही स्टेटमेंट सा लुक है, लाइक क्रॉप ब्लेजर्स मैंने तो अभी तक किसी के वार्डरोब में इतने ज़्यादा देखे नहीं है एंड आई पर्सनली लव इट। तो मैं तो बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट नहीं करती हूँ, मैं थ्रिफ्ट करके ब्लेजर्स लेकर आती हूँ सरोजनी वगैरह से एंड उसके बाद उसको कट करके एंड आई मेक इट क्रॉप और बड़ा ही स्टाइलिश लगता है और पैसे भी बच जाते हैं। सो आइडिया तो यही है बेसिकली, पैसे बचाना है ना। सो नाउ लेट्स कम टूवर्ड्स दी नेक्स्ट लुक। नाउ नेक्स्ट लुक ये बड़ा ही स्मार्ट लुक है, आई थिंक आजकल ना कॉर्सेट का ट्रेंड बहुत है, तो मैंने यहाँ पे एक वाइट कलर का कॉर्सेट पहना हुआ है विद माई बरमूडा पैंट्स, क्योंकि गर्मी थी ऑफकोर्स जीन्स तो दोबारा स्टाइल नहीं कर सकती ना, कितनी बार जीन्स पहनेंगी, गर्मी भी तो है। तो यहाँ मैंने बरमूडा पैंट्स के साथ पहना है, आप चाहें तो शॉर्ट्स के साथ भी पहन सकते हैं, मैं इतना ज़्यादा शॉर्ट्स पहनती नहीं हूँ, समहाउ आई बिलीव मेरे बॉडी पे इतना फ्लैटन नहीं लगता है, सो मैं बरमूडा शॉर्ट्स पहनना ज़्यादा पसंद करती हूँ एंड विद दैट मैंने सेम कलर की हील्स पहनी हुई है, अंदर वाइट कलर का कॉर्सेट पहना हुआ है एंड अ वेरी सॉफ्ट येलो ब्लेजर लियर ओवर साइज ब्लेजर एंड इसके साथ मैंने ऑफकोर्स वो लिए हुए हैं क्या बोलते हैं उसको सेम कलर का बैग भी लिया हुआ है। सो आई थिंक ये पूरा लुक बड़ा सिंपल सा है बट देख रहे हो कितना स्टेटमेंट ऐड कर रहा है, बड़ा क्लासी लुक लग रहा है मेरे को तो पर्सनली। एंड इफ़ इन केस आप चाह रहे हो कि आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपको ब्लेजर पहनने का मन नहीं है क्योंकि ब्लेजर हैवी है, मेक श्योर कि आप ब्लेजर थोड़ा लाइट वेट वाला पहनो और ओवर साइज पहनो क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एयरी होता है, कैरी करने में गर्मियों में भी बहुत ईजी हो जाता है। बट इफ इन केस यू आर समवन जिसको ब्लेजर हल्का सा भी कैरी नहीं करना, आप शर्ट पहन लो, कोई भी ओवर साइज लॉन्ग शर्ट पहन सकते हो, शॉर्ट शर्ट्स पहन सकते हो, काफ़ी मतलब ओवर साइज शर्ट पहन सकते हो जस्ट टू स्विच ब्लेजर का गर्माहट टू शर्ट का गर्माहट, इफ दैट मेक्स सेंस।
एंड फाइनल लुक पे, तो जो मैंने पहना हुआ अभी ब्राउन, मैंने ये सेम टॉप पहना हुआ है, इसके साथ मैंने कहीं ना कहीं एक मोनोक्रोम लुक है, पता नहीं क्यों, बट मैंने ना आजकल लोगों को ना लॉन्ग शर्ट्स पहनते हुए नहीं देखा. लाइक आई डोंट नो व्हाई पीपल आर जस्ट रनिंग फ्रॉम लॉन्ग शर्ट्स, जबकि वो इतनी ज़्यादा वर्सेटाइल होती हैं, इतना ज़्यादा मॉडेस्ट फील देते हैं. तो यहाँ पे मैंने पहना हुआ है बिल्कुल जिसे कहते हैं, आई डोंट नो, मैं तो ऐसे कलर्स को शिटी कलर कहती हूँ क्योंकि मुझे नहीं पता कि इनको कहते क्या हैं, कौन सा कलर है. मॉव सा कुछ कलर है ये, और ये कलर मैंने मॉव भी नहीं है यार, आई थिंक कुछ स्लेटी सा कुछ कलर है ये, बड़ा प्यारा कलर है. इसको मैंने पहना हुआ है और इसको मैंने ऑफकोर्स नॉर्मल फ्लैट्स के साथ पहना है, मतलब मेरे कुछ एनिमल प्रिंट के फ्लैट्स थे, स्नेक प्रिंट्स के, मैंने काफ़ी टाइम पहले बॉम्बे से लिए थे. एंड फिर मैंने पहना हुआ एक लॉन्ग ब्राउन शर्ट, बड़ा ही ज़्यादा कूल लग रहा था. ऑल फॉर टुडे वीडियो गाइज, आई वॉन्टेड टू इंक्लूड सो मैनी लुक्स, बट मैं उसके लिए दोबारा एक वीडियो बनाऊंगी, बिकॉज आई बिलीव एक वीडियो में मतलब अगर 20-25 लोग हो जाएंगे ना, तुम लोग देखोगे नहीं, बिकॉज मैं एक छोटा यूट्यूबर हूँ ना, तो पता नहीं देखोगे नहीं देखोगे. तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड टिल देन सिट बैक रिलैक्स एंड आई लव यू गाइज. प्लीज़ मुझे अपने कमेंट सेक्शन में ना अपना फेवरेट लुक बताना मत भूलना, आई एम वेटिंग. एंड जब तक ये वीडियो जाएगा, हाँ कल तो वीडियो आ ही जाए ना, सो प्लीज़ मुझे अपना फेवरेट लुक बताना मत भूलना. टिल देन सिट बैक रिलैक्स एंड आई लव यू गाइज सो मच. Bye-bye.